हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना स्मार्ट सोच यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हैज टैक्स के बारे में। तो जैसे कि टैक्स के बारे में आप लोग तो पहले से भी जानते हैं कि आप लोग अपने वीडियो के अंदर टैक्स लगाते हैं, बट अब जो आ गया है बदलते हुए एडवांस जमाने के हिसाब से, बदलते हुए यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हैज टैक्स आ गया है। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में इसके बिना जो है आपकी वीडियो कोई भी रैंक नहीं हो पाएगी, ना तो सर्च में आ पाएगी। अभी तो फिलहाल नहीं लगाते हैं तो भी चल रहा है, बट आने वाले दिनों में जो है बिल्कुल भी इसके बिना काम आपका चलने वाला नहीं है। तो इसको जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है अपने वीडियोस के अंदर, तो इसको इंप्लीमेंट आज से ही, अभी से आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि अभी इसका बेनिफिट ना मिले आपको, बट आने वाले दिनों में बहुत ही जबरदस्त इसका बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से जानेंगे। तो इसे सही तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही काम की है आपके लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप एक यूट्यूबर हैं, और अगर आप एक बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं और ऑनलाइन पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जहां पर हम लोग हमेशा अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर। तो यहां पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली हैज टैक्स होता क्या है। टैक्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि टैक्स जो होता है सिंपल कीवर्ड्स होते हैं वो, जो हम अपने वीडियो के लिए बनाते हैं और वो अपने टैक्स में डालते हैं। तो हैज टैक्स क्या होता है? तो हैज टैक्स पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे किसी वीडियो के ऊपर आप देखते होंगे जो ये टाइटल होता है, यहां पर आप देख लेंगे जो टाइटल होता है, टाइटल के ऊपर यहां पर हैज के बाद जो है कुछ कीवर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, तो यही एक्चुअली हैज टैक्स है। तो एक्चुअली इसकी जरूरत क्या पड़ी कि आज के रेट में यूट्यूब के पास जो है इतने एक्चुअली बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो सारे लैंग्वेजेस में उनको टैक्स को पकड़ पाना, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब भी आपके वीडियोस को प्रमोट करने की कोशिश करती है, यूट्यूब भी आपके वीडियो को प्रमोट करती है, लेकिन वो वीडियो को कैसे प्रमोट करे, वो सभी वीडियोस को एक कैटेगरी वाइज जो है सेलेक्ट करती है, यानी कि कीवर्ड्स को सेलेक्ट करती है। कीवर्ड्स एक्चुअली इतने सारे हैं कि उनको कीवर्ड्स को पकड़ पाना, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था, इसीलिए उन लोगों ने ये निकाला हैज टैग, कि हैज के बाद जो लोग टैग लगाएंगे उन्हें जो है YouTube पकड़ेगा प्रॉपर तरीके से और उन वीडियोस को जो है वो प्रमोट करेगा। तो आज के डेट में जिन लोगों का चैनल ग्रो कर चुका है, उनकी वीडियोस तो ऐसे ही दिखती रहती है, काफी लोगों ने देखा तो अगली वीडियोस भी अपलोड करेंगे, तो वो भी वीडियोस उन लोगों को दिखेगी, तो इस तरीके से चैनल चल रहा होता है। लेकिन अगर आपका चैनल नया है और YouTube चाहता है कि आपके चैनल को प्रमोट करे, तो YouTube जो है प्रमोट करने के लिए वो कीवर्ड्स ढूंढता है कि जो भी नए नए चैनल्स हैं वो हैशटैग के माध्यम से वो वीडियोस को प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि जब आपने हैशटैग लगा दिया और कोई भी बंदा हैशटैग लगा हुआ वीडियोस को देख रहा है, तो अगर आपने सेम कीवर्ड का हैशटैग के बाद कीवर्ड अगर लगाया हुआ है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके आसपास, उसके नीचे या फिर रिकमेंडेड लिस्ट वगैरह में आपकी वीडियो दिखे। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको हर वीडियो के अंदर हैशटैग लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हैशटैग एक्चुअली हम लगाएंगे कहां पर। तो हैशटैग एक्चुअली दो जगह लगाना है आपको, दो जगह में, एक जगह कहीं पर भी लगा सकते हैं। एक तो वीडियो के जो आप टाइटल देते हैं, तो टाइटल के बिल्कुल लास्ट में आप जो है हैशटैग लगा सकते हैं, और एक दूसरा जो है जगह वो है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप हैशटैग लगा सकते हैं। तो एक बार हम चल करके देखते हैं, आप वीडियो मैनेजर में चलते हैं और वहां पर समझते हैं प्रॉपर तरीके से। तो वीडियो मैनेजर में आने के बाद जो है हम एडिट पर चलते हैं वीडियो में और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर ये टाइटल होता है, तो टाइटल के बिल्कुल लास्ट के अंदर जो है, लास्ट में आप जो है हैज के साथ जो है आप टैग लगा सकते हैं, यानी कि हैशटैग लगा सकते हैं। और दूसरा जो जगह होता है वो होता है आपका डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली ये जो हैशटैग है ये सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस को प्रमोट करने के लिए और यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझने के लिए, समझाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन एक आम पब्लिक जो है वो हमेशा कोई भी वीडियो को जो है अपने सिंपल टैग से, यानी कीवर्ड से ढूंढती है, तो यहां पर आपका जो टैग है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका जो महत्व है वो अपनी जगह पर है ही। बट ये जो है यूट्यूब के एल्गोरिथम में भी आप एक प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम भी अगर आपके लिए कुछ करता है तो उसका बेनिफिट आपको मिले, इसलिए हैशटैग को भी लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा जो होता है, आप अपने
डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कहां पर लगाएं, सबसे ऊपर लगाएं तो दिखेगा, या बीच में लगाएं तो दिखेगा, या नीचे लगाएं तो दिखेगा। तो इस टाइप का ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसका महत्व तो उतना ही होगा जितना कि आप ऊपर लगाएं या फिर बीच में लगाएं या फिर नीचे लगाएं। तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, उसकी जो इंपोर्टेंसी है वो उतना ही रहने वाली है। तो इसीलिए चूंकि इसको किसी को दिखाने की जरूरत हमें नहीं होती है, ये हम बिल्कुल लास्ट में लेकर के चले जाते हैं और बिल्कुल लास्ट में हम यहां पर लगाते हैं। जैसे कि मैं लगाता हूं बिल्कुल लास्ट में, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल उतना ही होगा, चाहे आप स्टार्टिंग में लगाएं, चाहे आप बीच में लगाएं, चाहे आप एंड में लगाएं। उसको एक्चुअली यूट्यूब का एल्गोरिथम ही समझता है, उसको एक आम पब्लिक को समझने की जरूरत उसकी नहीं है। तो इसलिए हम उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। कहीं का मतलब या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं पर भी लगा सकते हैं, या फिर टाइटल में लास्ट में लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक्चुअली क्या है कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपने डाला है हैशटैग, तो स्टार्टिंग के जो तीन टैग्स होंगे, यानी कि जो तीन कीवर्ड्स होंगे, जो तीन हैशटैग्स होंगे, वो आपके वीडियो के टाइटल्स के ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, यहां पर ये आप देख सकते हैं, यहां पर वीडियो के ऊपर ये तीन टैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप टाइटल के लास्ट में डाल देते हैं, वो जो है एक लिंक टाइप का, हाइपर लिंक टाइप का बन करके सभी को दिखाई देगा। जैसे कि ये भी एक हाइपर लिंक टाइप का बन चुका है, ये जो है यहां पर भी एक हाइपर लिंक टाइप का बन चुका है। उसी प्रकार से अगर आप टाइटल के लास्ट में देते हैं, तो वो एक हैश के बाद जो भी वर्ड होगा उसको पकड़ करके वो एक हाइपर लिंक बना लेगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अच्छा कोई भी उस पर क्लिक करेगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज होंगी वहां पर ओपन हो जाएगी, वो दूसरे टाइप में लेकर के चला जाएगा। तो अगर आप टाइटल के लास्ट में देते हैं, तो जो आपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये वाले हैशटैग आपके टाइटल के ऊपर नहीं दिखाई देंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरे हिसाब से टाइटल के लास्ट में देना सही नहीं है, आप हमेशा डिस्क्रिप्शन में दें, ताकि कम से कम तीन टैग्स जो हैं आपके हैशटैग्स जो हैं आपके वीडियो के नीचे और टाइटल के ऊपर जो है वो परमानेंटली दिखाई दें, ताकि जब भी आपके चैनल पर, सबसे पहले तो आप अपने चैनल का नाम दें हैशटैग के बाद, यानी कि हैश के बाद जो है अपने चैनल का नाम, ताकि आपके चैनल पर अगर कोई जाना चाहता है तो सीधा आपके नाम पर क्लिक करेगा और आपके चैनल पर सीधा का सीधा आएगा। एक तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। दूसरा है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि आपके वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड ही आपको देना है। अब यहां पर सवाल उठता है कि कितना हम जो है हैशटैग लगा सकते हैं, तो यहां पर YouTube रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा 15 हैशटैग अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप 15 लगाएं, और इसके अंदर और भी रूल्स आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो इस पर अगर थोड़ा भी आपने गलत किया तो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके चैनल पर लग जाएगा और उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 15 से ऊपर ना हो, और जो भी आप हैशटैग लगा रहे हैं वो आपके वीडियो कंटेंट से ही रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि कुछ अलग किसी अदर चैनल का आपने नाम ले लिया, किसी अदर वीडियोस का आपने टैग लगा दिया, ऐसा आपको नहीं लगाना है। जो भी टैग्स आपको लगाना है वो आपके वीडियो से रिलेटेड ही आपको टैग वहां पे हैशटैग में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज क्या है कि हैशटैग लिखते समय आपको वर्ड्स और वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं लगाना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हैश हमने लगाया, विदाउट स्पेस स्मार्ट सोच हमने टाइप किया, उसके बाद स्पेस जैसे ही हम देंगे तो उसके बाद सेकंड टैग्स स्टार्ट हो जाता है, ये स्पेस है, और स्पेस के बाद फिर हम दोबारा हैश देंगे, और उसके बाद जो है हैश के बाद हम अपने टॉपिक से रिलेटेड अपने कीवर्ड बनाएंगे। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि नहीं स्पेस रहता तो वर्ड क्लियर होगा, तो उसके लिए आप यहां पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं दे सकते। जैसे आप स्पेस देंगे तो वो जो है मान्य नहीं होगा, वो आपका हैशटैग नहीं बनेगा, यानी कि वो हाइपरलिंक नहीं बनेगा, वो लिखना बेकार हो जाएगा। तो आपको स्पेस नहीं देना है, लेकिन अगर आपको स्पेस दिखाना है तो इस टाइप से अंडरस्कोर दे करके आप अलग अलग वर्ड जो है आप इस तरीके से लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है, जैसे कि इसके अंदर हमने तीन दिया हुआ है, फर्स्ट में जो है हमने स्मार्ट सोच दिया हुआ है, उसके बाद बेस्ट बजट लैपटॉप्स दिया हुआ है, उसके बाद लैपटॉप फॉर यूट्यूबर्स दिया हुआ है, ये तीन है। फिर उसके बाद अगर चौथा देना होगा तो हम एक ही स्पेस देंगे, और उसके बाद जो है हम हैश लगाएंगे, और उसके बाद हम देंगे मान लीजिए बेस्ट लैपटॉप हम दे देते हैं बेस्ट, और इसके बाद अगर हमें स्पेस दिखाना है वर्ड को क्लियर करने के लिए, अलग करने के लिए, तो हम अंडरस्कोर इस तरीके से दे देंगे बेस्ट, और उसके बाद लैपटॉप्स, इस तरीके से आप जो है दे देंगे। और उसके बाद अगर दूसरा देना है आपको तो स्पेस देंगे, फिर दूसरा वाला ले लेगा। लेकिन जो वीडियो के
अंदर जो वीडियो के नीचे आपका जो लोगों को दिखेगा वीडियो के नीचे टाइटल के ऊपर, वो सिर्फ स्टार्टिंग के तीन ही हैशटैग ही उनको दिखेगा सभी को। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें कि फर्स्ट तीन हम कैसा रखें कि वो सभी लोगों को दिखना है, बाकी के जो टैग्स हैं उनका सिर्फ सर्च इंजन में आने के लिए यूट्यूब एल्गोरिथम यूज करेगा, लेकिन बाकी पब्लिक जो है वो सिर्फ उसी को यूज करेगी। जो आपके तीन होंगे स्टार्टिंग के, वही आपके वीडियो के नीचे और टाइटल के ऊपर नजर आएगा। तो इसको आप ध्यान रखें कि बिल्कुल मिलता जुलता, बिल्कुल सटीक जो है आप स्टार्टिंग के तीन टैग डालें, ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से वो सभी को दिखे और उसका बेनिफिट हो। तो जैसे उस पर टैग करेगा या फिर उस टैग से रिलेटेड कहीं पर भी वीडियो चल रही होगी और आपने वो उससे रिलेटेड टैग डाला हुआ है, तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वहां पर जो है आपकी वीडियो दिखे। तो इस तरीके से आपको हैशटैग यूज करना आज के रेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके वीडियो को रैंक पे लाने के लिए और आपके चैनल को ग्रो करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा जो कि हैशटैग समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।